बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की हत्या की जांच में सीबीआई और एनसीबी जुटी हुई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खुलासे के बाद से ही एनसीबी ड्रग्स एंगल से मामले की जांच कर रही है। एनसीबी ने इस दौरान बॉलीवुड को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। ड्रग्स के इस खेल में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हैं। एनसीबी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान से कई बार पूछताछ कर चुकी है। ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। जांच एजेंसी ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉलीवुड के कुछ बड़े निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स के घर पर छापा मारा है। एनसीबी की छापेमारी के दौरान कुछ निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स के घर से ड्रग्स और नगद भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक लोखंडवाला, मलाड, अंधेरी और नवी मुंबई में छापेमारी हुई है। वहीं एनसीबी की टीम ने इस्माइल शेख नाम के एक ड्रग पेडलर के साथ चार दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस ड्रग पेडलर को टीम ने गिरफ्तार किया है उसने बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों को ड्रग्स की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की है। ड्रग्स पेडलर के बयान को आधार बनाकर एनसीबी ने ये कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि जल्द ही एनसीबी की टीम इन निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स को समन भेज सकती है। हालांकि एनसीबी की तरफ से अभी तक किसी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस छापेमारी से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने एनसीबी ने ड्रग्स खरीदने के आरोप में एक टीवी अभिनेत्री को रंगे हाथ पकड़ा था। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया था कि टीम ने मुंबई में कथित तौर पर ड्रग्स खरीद रही एक टीवी अभिनेत्री को गिरफ्तार किया। सुशांत मामले के बाद से ही एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।